हेलो हबीबी आर्मी, वी आर बैक विद अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं फ्री फायर गेम प्ले सोलो वर्सेस स्क्वाड। सो गाइस लाजमी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ। और ये हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है, हम आ चुके हैं लॉबी के अंदर और सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने। तो इस वजह से मेरे साथ टीम मेट कोई भी नहीं है और इधर बहुत सारे बंदे अलाइव हैं। तो यहाँ पर जो है वैसे ही शुगर मिला रखा है, आपस में लड़ रहे हैं, इधर उधर मार रहे हैं। तो हमारी गेम स्टार्ट हो चुकी है गाइस। तो हम लोग फ्री फायर बैटल रॉयल में आ चुके हैं और ये मैप जो है बहुत इंटरेस्टिंग मैप है। तो यहाँ पर जो है ना हम उतरने वाले हैं क्लॉक टावर, क्योंकि क्लॉक टावर पे जो है ना बहुत ज़्यादा ही बंदे आते हैं, उधर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है और बंदे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। और आज हमारे साथ हमारा दोस्त भी है, पपी है, छोटा सा बहुत क्यूट सा पपी है। तो हम लोग क्लॉक टावर में उतरेंगे और उसका साथ लेके उतरेंगे गाइस। सो हम लोग पैराशूट से लैंड हो रहे हैं। क्लॉक टावर पे हम लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से रश वगैरह ना हो, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ी पीछे की साइड उतरते हैं। यहाँ से गन वगैरह लेके लूट शूट करके वहाँ पर चलेंगे, फिर देखेंगे वहाँ पे एक आधा बंदा मिल जाता है तो मज़ा आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करके और बोया निकालना है। तो यहाँ पे मुझे एक भी बंदा नहीं मिलता तो मैं आगे जा रहा होता हूँ, बंदे तलाश कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा नज़र आता है, मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ तो मुझे एक बंदा यहाँ पे नज़र आता है और वो मुझे काफ़ी अच्छा डैमेज दे देता है। तो मैं इसको मार देता हूँ, कवर बनाता हूँ, उसको तो उसको मैं क्या करता हूँ, मेरे ना इसको मारने गन में जो है ना एमओ ख़त्म हो जाती है। तो गाइस मेरे साथ इस तरह ना बहुत गलत सीन होता है, मैं इसको मुक्के शुक्के कराता हूँ तो ये जो है ना इसकी पेटी नहीं मिलती, इसकी पेटी बनती तो मिलती ही नहीं है, इससे कुछ होता ही नहीं। हालांकि ये मुझे ना गन से मार रहा था, आपको याद होगा गन से डैमेज दे रहा था, लेकिन इधर इसकी पेटी है ही नहीं। तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था। फिर मैं बंदे ढूंढने के लिए क्लॉक टावर पे आ चुका था, यहाँ पे हो सकता है बंदे। ओ भाई सामने से इसको भी डायरेक्ट बनाता हूँ और फिर इसके अंदर से ना लूट शूट कर लेते, काफ़ी अच्छी मज़ेदार लूट मिल जाती है। और ये बंदा जो है मुझे देख लेता है तो मुझे मार रहा होता है, इसको भी मज़ा चलाते हैं, इसको भी मैंने एक दफ़ा डाउन कर दिया। और मैं वेट कर रहा होता हूँ उसके बंदे बंदे ना आ जाए, क्योंकि ये नॉक है तो उसके बंदे लाजमी से होंगे, लेकिन इसके बंदे आते नहीं है। तो फिर मैं इसको डायरेक्ट से फिनिश करा देता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ और बंदे ढूंढ, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने होते हैं। यहाँ मुझे और बंदे जब मिलते हैं मैं आगे की तरफ बढ़ रहा होता हूँ, तो पीछे से मुझे एक बंदा मस्ती करता हुआ नज़र आता है, मुझे एक दो गोलियाँ कराता है वो। तो मैं घूमते ही उसको जो है ना मारने की ट्राई करता हूँ, रेड रेड भी हो रहा है लेकिन इसकी गोली मेरी एक भी उसको टच नहीं हुई। कवर बनाते ही मैं इसको थोड़ा और मैं झंप मार के बहुत ज़्यादा इसने डैमेज डाउन कर देता हूँ ईजीली। अब मैं इसको फिनिश करूँगा और इसकी लूट करेंगे आगे जाके। इसके बंदे वगैरह यार यहाँ पर हैं ही नहीं, तो फिर इसके बंदे भी नहीं मिल रहे होते। मैं जाता हूँ इसकी लूट करने, मुझे लग रहा होता है इसके बंदे वगैरह जो है ना मुझ पर डायरेक्ट रश कर देंगे और ना मुझे मार देंगे, लेकिन इधर एक आधा ही बंदा होता है और इससे ज़्यादा तो बंदे होते नहीं है। इधर अच्छी खासी मुझे लूट मिल जाती है तो मैं यहाँ से जो है ना लूट शूट करके आगे बढ़ रहा होता हूँ। तो यहाँ पर एक और बंदा आता है मेरे सामने, बहुत अच्छा नॉक कर देता है और इजीली इसको डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। मैं काफ़ी देर इधर उधर 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 ढूंढ रहा होता हूँ बंदे, लेकिन बंदे वगैरह तो बने नहीं रहते। पूरा मैप मैंने सिर्फ बंदे ही ढूंढे ही हैं, बस मुझे चार पाँच ही किल हुए हैं अभी तक मेरे। तो यहाँ से मैं बंदे वगैरह ढूंढते मैं मुझे गाड़ी दिखती है, मैं गाड़ी उठाने की ट्राई करता हूँ यहाँ से जो है ना। अब जहाँ पे भी बंदे दिखेंगे ना हम वहाँ जाएंगे, रश करेंगे डायरेक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करेंगे हम लोग। गाड़ी जैसे ही मैं पकड़ूंगा और ओए डायरेक्ट फायर आया, भाई निकलो निकलो यहाँ से निकलो, गाड़ी में बैठा हूँ और फायर मारना स्टार्ट हो गए भाई, देख रहे हो आप लोग। वैसे मुझे कोई भी बंदा नहीं मिल रहा था, अच्छा खासा डैमेज दे रहे हैं यार ये लोग। तो हम क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी निकलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। और ये बंदा भी आ रहा है, ये बंदा, इसको गाड़ी से नॉक करता हूँ, इसको गाड़ी से नॉक करता हूँ, यस इसको गाड़ी से आपके भाई ने नॉक कर दिया। इसको डायरेक्ट फिनिश कराते हैं हम लोग और आगे की तरफ क्या सामान मिल सकता है अच्छे से। अच्छा मुझे जो जो सामान मिलता है और मैं डायरेक्ट आगे बंदों की तरफ ना चढ़ाई कर देता हूँ, क्योंकि ना आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने होते हैं। और देखो वहाँ पे लाल निशान भी आ रहा होता है, जहाँ मुझे लाल निशान नज़र आ रहा होता है मैं वहीं पे जाता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किल्स निकालने, इस वजह से जो है ना मैं ट्राई कर रहा होता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किल्स निकाल के बोया करने की। तो यहाँ पर जो है सामने एक बंदा आपको दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि दूर से गोलियाँ लगती नहीं, नॉक नहीं हो रहा था। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे की तरफ जा रहा होता हूँ, मुझे बंदा नॉक पड़ा हुआ देखता है तो मैं ट्राई करता हूँ बंदे को, मैं फिर से ट्राई करता हूँ किल चोरी करने की, किल चोरी नहीं होता।
तो उस बंदे ने ना फिर उस बंदे को मार दिया होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आगे जाकर कवर में रह के ना कुछ ना ट्राई कर रहा होता हूँ कि इस बंदे को मैं मार लूँ, क्योंकि उसने उसको मार लिया तो मैं इसको मारने की ये मेरी तरफ ही आ रहा है। क्या कवर में तो मैंने लॉबी पहुंचा दिया गाइस। इसी बात पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ चलते। इसके पास से भी मुझे कोई खास सामान तो मिलता नहीं है गाइस। मैं थोड़ा बहुत इसके पास से सामान लूटता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि 7 ही किल हुए हैं अभी तक मुझे और ज़्यादा किल्स करने गाइस। यहाँ पे जो है ना, आगे मैं बढ़ रहा होता हूँ यहाँ से नहीं, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। यहाँ से जाते ही मुझे लाल निशान दिखते गाइस, आप लोगों को भी दिख रहा होगा मैप में, तो मैं वहीं पर जाता हूँ क्योंकि मुझे किल्स तो करने ही करने हैं। तो आगे चलते हम लोग, वो बंदा जा रहा मार दिया, मुझे लगी नहीं रही, लाल लाल हो रहा है, पता नहीं क्या मैटर है मेरे साथ। अच्छा खासा मारा लेकिन इसको एक भी गोली टच नहीं, उसने मुझे काफ़ी डैमेज दे दिया गाइस। इसको तो निपटाना ही पड़ेगा गाइस, इसको निपटाना ही पड़ेगा। आ रहा आ रहा आ रहा, इसको उसको गैस करो कितने से कितने किल होंगे आपके भाई के। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है ना आगे एक बंदा था जो आपस में ये लोग फाइट कर रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी पेटी लूटते हैं, क्या पता इसके अंदर से हमें स्कोप वगैरह मिल जाए। ओह अच्छा नाइस हो गया, हमें एक स्कोप, अच्छा वाला स्कोप मिल गया। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और ब्रिज के ऊपर ट्राई करते हैं चढ़ने की, उधर से एंगल भी बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और दूसरा क्या एडवांटेज भी हमारे पास ज़्यादा ही होगा। थोड़ा डर भी लग रहा होता है क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा अलाइव है, 19 अलाइव है बंदे, और सामने से साउंड भी आ रहा है कि मैप में निशान भी आ रहा है, साउंड भी आ रहा है कि बंदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं और वो देख सकते हैं आप लोग, वो बंदा भागता हुआ जा रहा है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर रह के इस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ। अच्छा बंदा है ये, काफ़ी अच्छा बंदा है, इसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ। और ये लेकिन गोलियाँ ख़त्म हो गई, फिर मैं दूसरे स्प्रे में इसको ले लेता हूँ। जो होता है ना सोलो खेल रहा होता है, ये भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होता है क्योंकि ये अच्छा बंदा होता है। तो आपके भाई ने डाउन कर दिया है और यहाँ से जो है ना मैं जंप मार लेता हूँ और काफ़ी मेरी एचपी लो हो जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हील लगाता हूँ और वहाँ पे जो है साउंड भी आ रहे होते हैं, बंदे वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलाइव हैं, लेफ्ट साइड पे बंदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट बंदों पे चढ़ाई कर देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा एंगल लेने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ये रिच है ना, थोड़ा सा ऊपर है, क्या पता यहाँ से बंदे दिख जाएँ। और मुझे एक आधा बंदा यहाँ से दिख भी रहा होता है क्योंकि यहाँ से बंदे बहुत ज़्यादा, ये बंदा का हेड मुझे दिख रहा है, मैं थोड़ा स्कोप लगा के देख लेता हूँ। ये बंदा जा रहा है और ये रे बंदे आपस में लड़ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यहीं से मारने की ट्राई करता हूँ, यहीं से मार दिया और 10 किल आपके भाई के हो चुके। फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे और भी बंदे लाइव हैं, यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग मैप पे, और मैप सर्कल भी कितना छोटा होता जा रहा है। फिर हम लोग घर की तरफ अंदर की तरफ चलते हैं और पीछे से जोन भी आ रहा है गाइस, हम लोग को जोन से भी बच के निकलना भी है। यहाँ से बंदे निकल चुके हैं मेरे ख्याल से, और सामने एक बंदा इसको मैं ऊपर से ही बंदा मुझे बहुत डैमेज दे रहा होता है, इसको फिनिश हो चुका है। और क्या इंटेंस सिचुएशन हो चुकी है, ये भी मर चुका है गाइस। तो आगे 12 बंदे अलाइव रह चुके हैं और हमारे 12 किल्स हो चुके हैं, और यहाँ पर एक और बंदा मेरे सामने आ गया, डायरेक्ट फिनिश कराता हूँ गाइस, इसको भी मैंने मार दिया। 14 किल्स आपके भाई के हो चुके हैं गाइस। तो आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे जो सामने बंदे लड़ रहे थे इनको भी मैं काफ़ी अच्छा डैमेज दे दिया, इसको भी मैं नॉक करा देता हूँ, और आगे वाले बंदे को भी मैं नॉक करने की ट्राई करता हूँ, इसको भी मैं इजीली नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ, और इसको भी मैं डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ। 16 किल्स आपके भाई के हो चुके हैं गाइस, 16 किल्स आपके भाई के हो चुके हैं, और 4 बंदे अलाइव हैं। अब देखते हैं कितने किल्स हमारे होते हैं, क्योंकि एक तो हमें और 3 बंदे अलाइव हैं, 16 किल्स हो चुके हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, बंदे ढूंढ रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है ना बंदे मिलते नहीं है, मैं काफ़ी अच्छे बंदे ढूंढ रहा होता हूँ यहाँ इधर उधर, और सामने से एक मुझे बंदा दिखता है, इसको भी मैं डैमेज करा देता हूँ। यही मुझे डैमेज दे रहा होता है लेकिन इसको मैंने नॉक कर दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, पिस्टल से मारने की ट्राई करता हूँ, पिस्टल से मारते हैं। लेकिन छोड़ो यार, वापसी अपनी गन चेंज करके इसको इससे मारते हैं। आपके बंदे और भी लड़ रहे हैं गाइस, वो देख सकते हैं आप लोग, 2 बंदे और भी लड़ रहे हैं। अब ये दोनों किल मुझे चाहिए गाइस, ये दोनों किल मुझे चाहिए। इसको एक भी गोली नहीं लगती। मैं क्या करता हूँ, इसी बंदे को मारता हूँ क्योंकि इस गन पे स्कोप भी लगा हुआ है। ये भी नॉक हो जाता है और ये भी ख़त्म हो जाता है, और आखिरी बंदा सामने गाइस, बोया के हम बहुत करीब हैं, इसको मैंने काफ़ी डैमेज दिया और इसने मुझे डैमेज दिया। थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, फिर इसको मारने की ट्राई करता हूँ, और ये इधर मर गया गाइस, आपके भाई का बॉय हो चुका है। जितने भी बंदे नहीं हुए हैं सब्सक्राइब और लाइक लाजमी से कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।